एवरीवन, हाय बांग्लादेश। जल्दी से हम लोग कोक स्टूडियो बांग्ला का न्यू गाना सुनने वाले हैं। आज चांद रात है, कल ईद है, सुबह के 4 बज रहे हैं, जिसका मतलब है कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है और क्या काम करने। हम लोग सुनने वाले हैं दराले दुआरे, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। तुम लोग मुझे बताओ, दराले दुआरे को हम सुनने वाले हैं, विच इज़ अ ब्यूटिफुल लव पोएम बाय काजी नाजरुल इस्लाम, योर नेशनल पोएट, most famously known as the rebel poet in Bangladesh. The marks of the poet talent can be found in many genres including ghazals. His ghazals are rich in expression that pierce his heart with love. The song is so of two lovebirds who have fallen madly in love with each other. ये लव सॉन्ग है, हम क्यों रिएक्ट कर रहे हैं इसको? और ये गाया किसने है? ईशान एक्स नंदिता। नंदिता का गाना हमने पिछली बार कोक स्टूडियो बंगला में सुना था। मेरी मेमोरी देख रहे हो, बादाम खा रही हूँ मैं। कोक स्टूडियो बंगला पूरा रमजान में इसने कोई गाना रिलीज नहीं किया। हाउ रिलीजियस ऑफ कोक स्टूडियो बंगला, क्यों? मैंने सुना है बांग्लादेश में तो हर रिलीजन का इंसान रहता है, मतलब बहुत ही डाइवर्स कल्चर है और आप लोग सेक्युलर स्टेट हो, क्यों गाना नहीं अपलोड कर रहे थे? खैर, हु एम आई टू टेल यू दिस, जहन्नम में मेरी वजह से थोड़ी ना जाना है। जस्ट जोक्स। वी आर डाइविंग इन, 3, 2, 1, गो। कोक स्टूडियो बंगला। क्लासिकल इमोशंस फ्लो कर रहे हैं सितार में से, अगर ये सितार ही है। मुझे जज मत करो, ये मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट नहीं है, दिस इज गिटार, बट दैट इज सितार आई थिंक। ब्यूटिफुल सेट, दारले दुआरे, लिरिक्स सुनते हैं हम, देखते हैं हम, विद टीयर्स, द सैड ट्यून ऑफ नाइट फॉलिंग, खूबसूरत, स्टैंडिंग देयर एट योर टू स्टेप्स, ये गजल है। So full of feelings. Old age याद करवा दिए, पुराने जमानों में ऐसे होता था, अब नहीं होता, अब hookups होते हैं। ये essence जो है ना, अब available नहीं है, इसलिए hope ज़्यादा attach करने की ज़रूरत नहीं है इनके साथ, बस ये सुने art की तरह, expectations मत बनाएं। बालकनी, ओल्ड एज लव, ओल्ड स्कूल लव, लुक एट द सेट, सो ब्यूटीफुल, खूबसूरत। मैं बात यहाँ से स्टार्ट करूँगी कि दे ऑल वर वियरिंग वाइट विच डिपिक्ट्स प्योरिटी। जो वाइट कलर है वो प्योरिटी दिखाने के लिए यूज़ होता है। अगर आपका फेवरेट कलर वाइट है तो इसका मतलब होता है आप बहुत ही प्योर सोल हो, आप बहुत ही क्लीन हो, मतलब कि आप मॉरल्स में मानते हैं, आप बहुत ही एथिकल इंसान हैं। और ये प्योरिटी ये लोग क्यों दिखाना चाह रहे थे? बिकॉज दे वर पोर्ट्रेइंग प्योर लव, दे वर टॉकिंग अबाउट प्योर लव, ओल्ड स्कूल लव की बात हो रही है, जो कि आजकल ना एग्जिस्ट करता है ना ही प्रैक्टिकल है। किसी के आप लुक्स को पसंद करना या किसी के बोलने को पसंद करना, लाइक आपको पता नहीं वो एथिकली इंसान कैसा होगा, ये पुराने ज़मानों की बात है। नो ऑफेंस टू कोक स्टूडियो बंगला और द राइटर द पोइट, उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और वो हमारी पुरानी तहजीब कल्चर का हिस्सा है और उनको हम लोग हमेशा से अप्रिशिएट करते आए हैं और करते रहेंगे। खूबसूरत गज़ल है, मगर मैं तुमको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि ये पुराने ज़मानों में पोइट
इस तरह क्यों लिखते थे और किस तरह लिख लेते थे। होता ये था, पुराने ज़मानों में को एजुकेशन नहीं होती थी, को एग्जिस्टेंस नहीं होती थी, जेंडर एक साथ में बहुत कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। लड़के कभी लड़कियों से बातचीत तो बहुत दूर की बात है, उनसे कोई सलाम दुआ, उनको कोई चीज़ एक्सचेंज भी नहीं होती थी। लड़कियों का और लड़कों का कोई ताल्लुक नहीं होता था। अब आए में किसी की आंखें देख ली, बालकनी से किसी के बाल देख लिए, किसी कज़न को बोलते हुए सुन लिया, तो इतना ही इंटरेक्शन था लड़कियों के साथ पुराने ज़मानों में लड़कों का। तो उनको इन्हीं चीज़ों से प्यार होता था कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, आपके हाथ बहुत खूबसूरत हैं, क्योंकि एक दूसरे से इंटरेक्शन ज़ीरो थी। तब पोइट्री इन्हीं बातों पे होती थी और ये पोइट्री दैट यूज़ टू मेक सेंस, लोग लिखा करते थे, लोग यूज़ करते थे, लोगों को समझ आती थी और लोगों के लिए रिलेटेबल था, क्योंकि हर कोई स्कूल जा रहा है अगर तो ऑल बॉयज़ स्कूल में है, लड़कियाँ ऑल गर्ल्स स्कूल में है, लेटर राइटिंग हो रही है। किसी को ये भी नहीं पता होता था कि लव मैरिज तो छोड़ ही दो ना, किसी को ये भी नहीं पता होता था जो लड़की मुझे पसंद है इसकी आवाज़ कैसी है, इसकी शक्ल कैसी है, इसके घर में कितने लोग हैं, मतलब वो बस दूर के ढोल सुहान। कई दफ़ा ऐसे भी निकल आता होगा, मगर तुमको बता रही हूँ कि पोइट्री ओल्ड क्यों है, इट डजंट वर्क नाउ। पाकिस्तान में एक गाना है आफरीन आफरीन, जिसमें एक लड़की के ऊपर इतना कुछ लिखा है, इतनी खूबसूरती को डिस्क्राइब किया गया। तो ये राइटिंग्स पुराने पोएट पुराने राइटर्स ही कर सकते थे, आजकल को ना तो इतनी सेंस है, ना समझ है, ना उनको पसंद आता है इवन, क्योंकि उनको पता ही नहीं है क्या बात करें। मगर ये बहुत ही रिलेटेबल है, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है फॉर जनरेशन एक्स, 1980s, 1970s, 1940s, 1880s, और बहुत पहले अगर जाओगे तो इवन अमेरिका में, इंग्लैंड में, जो भी यूरोप में राइटिंग्स हुई वो भी इसी तरह की थी कि लड़की की खूबसूरती में बात होती। हम गाने पे आते हैं, मैं तुमको सिर्फ ये बता रही हूँ कि क्यों लिखता है एक पोइट, किस तरह से ये सब कर लेता है, क्योंकि हम कभी ना सोच सकते हैं ना हमें समझ आती है कि यार आंखें कैसे खूबसूरत होती हैं, आंखें की एक लड़की क्या ही खूबसूरत होगी। आजकल और बातें चल रही हैं, आजकल हिप हॉप चल रहा है, इकोनॉमी की वजह से किसी को इंटरेस्टेड नहीं है। हम तीन आंखों वाले से शादी, हम नहीं मतलब लोग, तीन आंखों वाली लड़की से शादी कर लेंगे अगर वो फ़ायदा देती हो। पुराने वक्तों की पुरानी बातें हैं, अच्छी बातें हैं, मीठी बातें हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स टू गुड टू बी ट्रू, लाइक मतलब उस वो इतना अनरियलिस्टिक है, इट मेक्स यू फील सो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, लाइक आप छोड़ ही दो ना कि क्या ही मजबूरियां हैं, क्या ही टाइम की कमी है, क्या ही मुश्किलात हैं, मगर इट टेक्स यू टू अनदर वर्ल्ड, इट्स सो इमोशनल, सो रिच, इट्स सो ब्यूटिफुल। लिरिक्स यही थी कि आंखों के बारे में, और आपके पास जितना भी मैं टाइम स्पेंड करूं वो कम है, और करना चाहता हूं मैं, और करना चाहता हूं। मुझे बीच में जोक्स आ रहे हैं, बट लेट्स नॉट डू इट, आई लव्ड इट, इट वॉज गुड। स्पेसिफिक टेस्ट मेरा इसके लिए नहीं है, मगर क्योंकि मुझे कोक स्टूडियो बंगला बहुत पसंद है, उनका आर्ट, उनका बांग्लादेश के नेशनल पोइट की ये राइटिंग्स हैं, तो इट वॉज ब्यूटिफुल, मज़ा आया, बहुत अच्छा था। आवाज़ों पे तो मैं क्या ही बात करूँ, इतनी खूबसूरत आवाज़ें हैं, जैसे कि मैंने ये टर्म बहुत बार यूज़ किया, जैसे कि शहद को पानी में घोलो घोलो, इट्स सो स्वीट, कि इस तरह की जिनकी आवाज़ें होती हैं उनको नॉर्मल बात करनी भी नहीं चाहिए, वो बस गाने लिखें और गाने गाएँ और सो जाएँ, नॉर्मल क्यों ही आवाज़ आया करनी है। खूबसूरत लड़के की लड़की की बहुत ही अच्छा सेट था, बहुत ही प्योरिटी दिखाई हुई थी, बहुत ही कामनेस, बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट, और पुराना वो जो जब बैठ के पोइट्री होती थी क्लासिकल, अमेजिंग, खूबसूरत था सब कुछ, मुझे बहुत मज़ा आया। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू, अच्छे से सेलिब्रेट करो, अच्छा सा खाओ, मीठा कम खाओ, और आई सी यू गाइस द नेक्स्ट वन। Can't wait to see you guys in the next one. Follow me on Instagram. It's Diamond Mamuna. Subscribe this one. Subscribe my backup. It's Goat Reactions. Eid Mubarak. Bye.